बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आजकल वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा बहुत हद तक कंपटीशन है। आप एज अ वेब डिज़ाइनर जब आप कोई बिड लगाते हैं तो इतना ख़ास जवाब नहीं मिलता, या आप कॉन्टेस्ट में किसी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप रनर अप होते हैं, या तो आपको क्लाइंट शुरू में मना कर देता है या आपको फाइनल राउंड में लेके जाता है, फिर किसी वजह से अप्रूवल नहीं मिलती। या अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आप वेब डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या ब्रोशर्स या फ्लायर्स या मैगजीन्स या लोगोस या बैनर्स या फेसबुक कवर हो गया या ट्विटर कवर हो गया, उसमें आप मार खा रहे होते हैं। किसी वजह से कोई चीज़ डल हो जाती है। दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर वन, के जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैनर बना रहा हूँ, ओके, क्लाइंट ने कहा एक बैनर बना दो जिसका नाम है, कंपनी नेम है और उसका लोगो है प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट, समथिंग लाइक दैट। ओके, मैं यहाँ आया और मैंने इसको, क्योंकि आप फोटोशॉप यूज़र हैं तो मेरे ख़्याल में आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे कंपनी नेम आ गई, सही है, एंड ये कंपनी नेम आ गई। आपने अच्छा सा कोई एक कलर चूज़ करके आपने यहाँ पर एक कलर चूज़ कर लिया, सही है। उसके बाद फिर कंपनी का जो स्लोगन है वो कर दिया, मिसाल के तौर पे वी मेक कूल स्टफ़, ये कंपनी का स्लोगन है, आपने बना दिया। अब क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, सही है। उसके बाद फिर आपने कॉल टू एक्शन या समथिंग कुछ और भी, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट कह रहा है कि 50% ऑफ और समथिंग। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, सही है, और आखिर में कॉल टू एक्शन बटन हमने बना दिया, ओके। ये कॉल टू एक्शन बटन है, सबमिट नाउ, ओके। ये हमने बैनर बना के क्लाइंट को दे दिया और पीछे हम चाहें तो कोई खूबसूरत सी इमेज हम डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने ये इमेज इसके अंदर इंसर्ट की और उसके बाद मैं यहाँ आया, अब इस वक्त जो मेरे जहन में आ रहा है मैं वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। अभी मेकअप कूल वेबसाइट ब्लाम ब्लाम ब्ला कंपनी नेम, ओके, सबमिट नाउ। अब ये मैंने एक बैनर बना दिया, अब मैं अपने हिसाब से खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज़ चेक करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ड्रिबल में जाता हूँ, मैंने आपको दो वेबसाइट्स का हमेशा कहा है, एक awards.com जो ये खुली हुई है और एक dribble.com। dribble.com में हमारे को एक से एक रेफरेंसेस मिल जाते हैं, हवाले मिल जाते हैं, और जैसे मिसाल के तौर पे मुझे बनाना है बैनर, ओके, लेकिन मैंने इसको देखा, मुझे इसकी एक चीज़ पसंद आई और वो अब हो सकता है जब मैं इसको इनलार्ज करूं, इस वक्त जो मैं छोटे में देख रहा हूं तो मुझे ये छोटे छोटे, आप देखें मैं इस पर माउस ओवर कर रहा हूं तो ये मुझे ऐसे दिखा रहा है, ओके।
अब मैंने उसको HTML को उसमें से डिस्टर्ब किया है, तो अब ये ऐसे ही दिखा रहा है, सॉरी। एनीवे तो मुझे ये छोड़े, लेकिन अब मैं जैसे जब इसको मैंने एक न्यू उसमें किया है तो ये इसने अटैचमेंट दिए, मुझे तो इसमें अच्छी बात लगी। हालांकि मैं बना रहा हूँ बैनर, लेकिन मैं ड्रिबल में आया और मैंने सोचा था कि मैं ड्रिबल पे आके ये लिखूंगा कि बैनर डिज़ाइन, लेकिन मुझे शुरू में ही कुछ अच्छा मिल गया। अब देखें, एक होती है कॉपी करना, किसी भी चीज़ को कॉपी करके आप लगा दें, उससे हो सकता है क्लाइंट बड़ा खुश हो जाए और आपकी वाह वाह करे, या आप एक कॉन्टेस्ट में मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं आप जीत जाएं, या आपने बिट के तौर पे अपना एक घर पे एक प्रैक्टिस के लिए आपने एक काम किया है और आपने उसको अपने पोर्टफोलियो में डाला, लेकिन कॉपी करके लोग आएंगे, मुतासिर होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता जाएगा ग्रेजुअली कि यार आपका काम तो अच्छा है लेकिन आप कॉपी करते हैं। तो आपकी जो डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री है, IT और हमारी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर या यूज़र एक्सपीरियंस, उसमें आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, लोग आपको इज्जत की निगाहों से नहीं देखेंगे कि यार ये तो कॉपी पेस्ट करने वाला बंदा है। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों को देखा, उन्होंने मेरा ही काम किसी और को दिखा दिया और काम लिया, फिर बाद में जब उसका उसकी बारी आई काम करने की तो उसने वो काम नहीं कर सका। एनीवे, रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। एक होती है कॉपी करना, एक होती है किसी की इंस्पिरेशन लेना, इंस्पायरेशन जिसको हम कहते हैं, मुतासिर होना। अब मैं इसकी इस चीज़ से मुतासिर हुआ हूँ कि यार ये लुक बड़ा अच्छा लग रहा है और यार फॉन्ट बड़े प्यारे लग रहे हैं, बटन से शायद मैं थोड़ा सा मुतासिर ना हुआ हूँ। ओके, तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि मुझे अब इसकी ये चीज़ अच्छी लगी, तो लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ कि मैं एक ही इमेज को ऊपर नीचे करूं, मैं दो तीन इमेजेस, अब देखें ये रेफरेंस के, ये विदाउट रेफरेंस के मैं बना रहा हूं और एक मैं रेफरेंस के साथ बनाने लगा हूं। सही है, ओके। अब मैं थोड़ा सा खेलूँ इस पे, मिसाल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर नाउ मैं आता हूँ और images.google.com पे, या एक और साइट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इमेजेस देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही कोई इमेज, इसको प्रिंट टू स्क्रीन कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू मेक इट कंट्रोल एन एंड इनटू स्क्रीन, और यही चार पांच तस्वीरों उठा के मैं कॉपी करके इसको मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ आके मैं ऑफकोर्स मैं इस तक, दोस्तों मैं ये कह रहा था कि मैं यहाँ पर इसको लगा के कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दिस। ओके, मुझे ये इसकी स्टाइल पसंद आया। ये मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ, ऑफकोर्स जब मैं करने जाऊँगा तो एक एक इमेज पे काम करूँगा। एंड इसमें एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो इसका टाइपो था, और सब उसमें है अपना कैप्स में है, जो कि मुझे अच्छा लगा। अभी देखें डिफरेंट इमेजेस हो गई, टाइपो इसका बोल्ड है, तो लेट मी बोल्ड इट एंड लेट मी मेक इट ओके लाइक दिस, लाइक दिस। एक यूआई डिज़ाइनर और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि जैसे मैं इस वक्त UI कर रहा हूँ, एक एलिमेंट्स बना रहा हूँ, सही है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस का काम ये होता है कि वो ये देखता है कि किस चीज़ को
इम्पोर्टेंस देनी है, किस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, आप उनकी डिमांड को रीड कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ होती है जो कि परसोना कहलाती है, यानी आप किसके लिए बना रहे हैं। एक 80 साल का, 70 साल का बूढ़ा है, 60 साल का बूढ़ा है, जब वो साइट को देखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। और एक 18-19 साल का लड़का है जिसकी आंखें दिन भर फेसबुक और ट्विटर और इस तरह की चीज़ें देख रही होती है, इंस्टाग्राम, वो इसको कैसे रिएक्ट करेगा। और अगर एक मैच्योर्ड पर्सन है, बिजनेसमैन है, तो बाज़ दफ़ा क्लाइंट बता देते हैं कि जी हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो अमेरिका है और अमेरिका में बिजनेस पर्सन है। तो जाहिर बात है वो एक बड़ी कंपनी अगर देखते हैं तो उसके डिज़ाइन से समझ जाते हैं कि इट्स अ बिग कंपनी। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको एक और चीज़ करनी होती है कि आप रिसर्च करते हैं, बार बार रिसर्च करते हैं जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त। और फिर रिसर्च करने के बाद आप चाहें तो अपनी ही किसी फैमिली मेम्बर को, दोस्त को दिखाएं कि यार ये मैंने बनाया, किसी फ्रेंड को, कोवर्कर को, किसी को भी दिखाएं कि यार बनाएं, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो हो सकता है वो आपको कुछ आइडिया दे, या हो सकता है कि यार इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस बैनर में कहना क्या चाह रहे हो, या इस वेबसाइट के अंदर या मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप कहना क्या चाह रहे हो, उस मुझे समझ में नहीं आ रहा, मिसाल वो ये कहता है। तो इसका मकसद है कि जो यूज़र्स हैं, जो देखने वाले हैं, उसके लिए ये फ्रेंडली नहीं है, तो इट्स नॉट अ यूज़र फ्रेंडली। एनीवे, तो अब देखें, अब मैं यहाँ आया, मैंने इसको कॉपी किया, मैं दोबारा यहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने एक और चीज़ नोट की कि रेदर देन कि ये ग्रीन हो, ये ब्लैक है। ओके, तो मैंने कोई 80% या हल्का सा डार्क इसके बैकग्राउंड में बनाया, थोड़ा सा मैं कॉपी कर रहा हूँ, नॉट कॉपी एक्चुअली, और मैं इसको नॉर्मल रख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं गौर से देखूँ तो ये एक रेड की टोन है, हो सकता है इस कंपनी का जो ब्रांडिंग हो वो रेड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल। और मेरी कंपनी कह रही है कि मेरी जो ब्रांडिंग है वो ग्रीन है, तो अगेन आप उसको ग्रीन करेंगे। ओके, एंड आप अगेन ग्रीन कर देंगे, और चाहें तो और डार्क ग्रीन करें। ओके, एंड देन ये जो उसकी ओपेसिटी है 50 है, आप इसको 100 ही रखें या 80 कर दें। एंड देन कंट्रोल यू करके आप उसको कलराइज कर सकते हैं। ओके, डार्क की तरफ ले जाएं, कोई ऐसा लुक आए कि लगे कि ये कोई इंग्लिश कंपनी है। देखिए, इस तस्वीर और इस तस्वीर में बड़ा फ़र्क है, ये वही आई स्टॉक की पुरानी तस्वीरें हैं। अभी मैं चाहता तो इस पर और काम करता, लेकिन एनीवे, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि ये जो फ्री बाय है, सॉरी, ये जो ये है, इसका शेप अच्छा है, आई लाइक द शेप। तो ऑल आई विल डू इज, मैं यहाँ आया और एंड आई एम गोइंग टू गो टू प्रॉपर्टीज, और 100 कर दिया तो मैक्सिमम उसने मुझे दे दिया। अब इसमें कॉल टू एक्शन ये है, अब ग्रीन पे कौन सा चीज़ उठती है। मैं फिर ड्रिबल पे गया और मैंने इससे हेल्प ली, और मैंने इसको बोला कि यार आप मुझे कलर दिखाओ आप। ओके, तो ये मुख्तलिफ कलर इस वक्त मुझे दिखा रहा है। मैं यहाँ गया और मैंने ये कलर कहीं भी पिकर से चूज़ किया, और मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी किया, एंड आई एम गोइंग टू सॉरी नॉट गोइंग टू पेस्ट इट बट आई कैन पेस्ट इट हियर।
ओके, और मैंने अपडेट किया। इट्स नॉट अपडेटिंग, बट मुझे पता है कि मेरा जो इमेज है, जो मेरा बैकग्राउंड है, वो लमसम इस कलर का है। अब इस पे कौन सा कलर खेल के आएगा, ये मुझे चेक करना है, जो कि मैं ड्रिबल के ज़रिए या अब नाउ आई कैन सी कि ये जो रेड कलर है या जो ऑरेंज कलर है, दिस लुक्स नाइस। ओके, नया आया, मैं इसको कॉपी किया। आई एम गोइंग टू पेस्ट इट फॉर अ वाइल। आई एम नॉट कॉपीइंग दिस, कलर पिक करना इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉपीइंग। और डार्क पर डार्क हमेशा दबता है। तो देखें, ये वो चीज़ है जो मैंने स्टार्ट की, कंट्रोल एंड से न्यू फाइल क्रिएट की एंड स्टार्टिंग कर दी बनाना। और ये वो चीज़ है जो मैंने रेफरेंसेस ढूंढे, हालांकि मैं चाहता तो बहुत रेफरेंस ढूंढता, बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। एंड फाइनली अब थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। अब क्योंकि मैंने एक रेफरेंस ऑलरेडी ढूंढा हुआ था, मुझे जहन में, मैंने बहुत रिसर्च की थी एक बटन के बारे में, तो मुझे वो बटन बड़ा अच्छा लगा। उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा था। आई लाइक दिस बटन, दिस सॉर्ट ऑफ। मैंने उसकी ओपेसिटी 100% की और उसको नन रखा, और यहाँ आके उसका डार्क जो कलर है उसको चूज़ किया, तो ये हल्का सा 3D हो गया। लेकिन स्टिल ये, अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो थोड़ा सा जो मेच्योर्डपन है, ये देखिए, यह कंपनी नेम एक मेच्योर्ड साफ़ सुथरी कंपनी शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं सबमिट नाउ के बटन को देखूँ तो थोड़ा इससे हटके हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, हल्का सा टच दूँ और मैं ओके कर दूँ, तो नाउ दिस लुक्स गुड। आई मीन ये अच्छा लग रहा है, और ये अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि ये वाइट है। ओके, तो बहरहाल ये मेरे जहन में था। तो जब भी आप कोई चीज़ बनाएं, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन हो, चाहे वेबसाइट हो, अमूमन वेबसाइट को लोग वेबसाइट ही समझते हैं, लेकिन आज के दौर के अंदर एक वेबसाइट पूरी एक एप्लीकेशन हो चुकी है। आप देखेंगे, मैंने कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के डिज़ाइन बनाए थे, और फॉर्चुनेटली मैं इस मुकाबले में जीत भी गया। तो इसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम कंज्यूम हुआ, और जब मैं बना रहा था, लेकिन जब भी आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो उसका पहला गोल आपका यही होता है कि मैं इस मुकाबले में जीत जाऊं, चाहे वो 99designs.com हो या कोई दूसरी वेबसाइट हो। आपका पहला गोल है, अच्छी बात है। अच्छा, फिर होता ये कि दूसरा गोल जो आपका होता है लेकिन आपकी समझ में वो आता नहीं है, जिस पर आपका फोकस नहीं जाता, वो ये है कि अगर आप कोई डिज़ाइन में हिस्सा लेते हो, फेल भी हो जाते हैं, तो लेकिन अगर आपका डिज़ाइन वो ऐसा है, जैसे ऐसा है कि आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा बनाया लेकिन पता नहीं क्यों उसने फेल कर दिया, फिर आप कंपेयर करते हैं जो विनिंग डिज़ाइन है और मेरे डिज़ाइन में क्या फ़र्क है, तो हो सकता है आपको नज़र आ जाए। तो आप अपने आप को समझाते हैं कि हाँ यार, ये इसने अच्छा बनाया, ये मैंने बुरा बनाया। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कहते हो कि यार, इसमें ऐसी क्या बात है जो मेरे में नहीं है, मैंने तो बहुत अच्छा बनाया। बट अब यहाँ आके हम कहते हैं, ये किस्मत जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। लेकिन एटलीस्ट जो आपने बनाया है, भले वो फेल हो गया, अगर वो ऐसा है कि आप समझते हो कि यार क्लाइंट देख के उछल पड़ेगा, खुश हो जाएगा, तो वो आपके पोर्टफोलियो में, प्रोफाइल में ज़रूर काम आती है। ओके, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं इस मुकाबले में मैंने हिस्सा लिया था, एक कॉन्टेस्ट था, परफॉर्मेंस फाउंड्री, और मैं उसमें शॉर्टलिस्टेड हुआ बहुत सारे डिज़ाइनर्स के अंदर, और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ा डिज़ाइन कॉन्टेस्ट था। तो मैंने जब इसको बनाना शुरू किया तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो टाइपोग्राफी क्या है, ओके, नेविगेशन कैसी होगी, क्या उस, मैंने पहले इसको आइकॉन डाल के दिया बट दे डिडन्ट लाइक द आइकॉन्स। फिर हमारा बटन कैसा हो, आजकल फ्लैट का दौर है, फ्लैट डिज़ाइन चाहिए। फिर हायरार्की कैसी हो, बैलेंस हो, एक एलिमेंट के बाद जो दूसरा एलिमेंट आता है उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, ऐसा ना हो कि यहाँ तक लगे कि किसी एक डिज़ाइनर ने बनाया और जब दूसरे फोल्ड में हम जाएं
दूसरी जगह पे जाए तो ऐसा लगे किसी दूसरे डिज़ाइनर ने काम किया है। मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही थीम रखूं, यहाँ तक कि जो आइकॉन है उसकी थिकनेस, मोटाई पतलाई, अलग बात है कि ये आइकॉन शायद रह गया मोटाई पतलाई के हिसाब से। कोशिश की कि सेम रहे, अपना कॉल टू एक्शन जो है उसके साथ आइकॉन थीम को रखा। फिर यहाँ आके मैंने, मुझे पता था कि इस जगह पर आके ये जो साइन अप का ऑप्शन है, क्योंकि इससे इसको जनरेट करने अपने क्लाइंट, तो इसको मैंने एम्फोसिस फोकस करने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद फिर ये ब्लॉग का आइटम था, तो ब्लॉग को मैंने बड़ी रिसर्च की कि कैसा होना चाहिए। फिर चूंकि फ़ोटो सेशन एक चल रहा था, अगर आप देखें तो फ़ोटोज़ चल रहे हैं, फ़ोटोज़ चल रहे हैं, फ़ोटोज़ चल रहे हैं, तो मैंने बजाय कोई इलस्ट्रेशन के मैंने फ़ोटोज़ चलाए। फिर आप देखें कि ये एक कॉन्सेप्ट है कि मुख्तलिफ लोगों की इमेजेस, और उसके बाद उसको कंटिन्यू कराया। उसके बाद फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने उसी वाइट को कंटिन्यू रखा, तो फॉर सम रीज़न आई लॉस्ट दिस प्रोजेक्ट। और फिर यहाँ पब्लिक का रश दिखाया, ओके तो, और यहाँ बॉटम में भी मैंने तीन कॉल टू एक्शन रखे। इसी तरीके से मैंने इसको एक दूसरा ऑप्शन भी दिया था विदाउट इमेज का, कि अगर आप ऐसा रखना चाहें तो ऐसे रख दें, बट मैं ये हार गया। लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है, उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे दूसरे क्लाइंट मिले। अच्छा, सिमिलरली डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अगर आप अपने काम को निखारना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन है, या यूँ समझें कि यूज़र इंटरफेस, या यूँ समझें कि जो डिटेल होती है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, अगर आप उसमें अपना हाथ सेट करेंगे तो आपके काम में निखार आएगा। क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन वेब डिज़ाइनिंग के साथ साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन की भी नीड बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये मैंने बनाया था, मे बी आप इसको लाइक ना करें, लेकिन मेरी क्लाइंट से बड़ी बहुत लंबी, यानी 2-3 दिन तक हम लोग इस पे बहस करते रहे कि कैसा होना चाहिए। स्पेस का मसला है, 16:9 का रेशो होता है मोमेंट डेस्कटॉप ऐप में, तो ये मैंने बनाया। और इसमें ये था कि अगर आप इसको ओके करेंगे तो कैसा लगेगा, यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये मैंने ये बनाया, तो इसमें बहुत आइकॉन्स के अंदर मुझे देखना पड़ रहा था कि आइकॉन सेम हो। अच्छा, अब साथ साथ अगर आप ये देखें तो इस पर मैंने सेम चीज़ रखी है, और थोड़ा सा टॉप का पार्ट मैंने डिफरेंट किया है, सही है, इसको उभारा हायरार्की के लिए। इसी तरीके से अगर आप मेरी इस साइट को देखें, मैं अपनी साइट की कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा प्रोसेस ऑफ वर्क क्या है। मैंने एक वायर फ्रेम बनाया था और क्लाइंट को दिखाया था, और क्लाइंट ने देखने के बाद इसको अप्रूव किया, फिर मैंने इसका विजुअल बनाया एंड दे लव्ड इट फॉर सम रीज़न। मैंने बहुत मेहनत की, और मेरा जो ज़्यादातर ग्राफिक्स का काम था इसमें फर्स्ट फोल्ड के बाद, वो इलस्ट्रेशन पे था। तो देखिए, इलस्ट्रेशन है और एनिमेशन का मेरा कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर आप इसको देखें तो ये एक उसी डेस्कटॉप ऐप की एक इनिशियल स्क्रीन है, देखिए छोटी छोटी चीज़ें, आइकॉन्स हैं। इसी तरीके से अगर आप ये जाएं तो आप इस रेड को ना देखें, तो मैंने अपने लिए बनाई थी कि क्या क्या हो गया। ये इनको इस जगह पे आके कुछ गैप लग रहा था, तो मैंने 2-3 का ऑप्शन दिए, फिर ये ऑप्शन दिया, फिर कहा कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, व्यू ऑप्शन जिसको कहते हैं, ओके। एंड क्लाइंट रियली लाइक इट, ओके। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन मैंने बनाया, फिर साथ साथ ये बनाया, दिखा चुका हूँ आपको मैं सारा का सारा। आई होप गाइस कि आपको थोड़ा समझ में आया। ये कैलेंडर जब मैंने बनाया तो मैंने बहुत रिसर्च की कि कैलेंडर कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और फिर जब टेबल बना रहा था तो टेबल भी मैंने सोचा था कि साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, ये हो। हम मिस ये कर रहे होते हैं, रिसर्च नहीं कर रहे होते, बस उठाया बनाना शुरू कर दिया। क्लाइंट की डिटेल को रीड नहीं कर रहे होते, हम ये नहीं समझ रहे होते कि किस लिए बन रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेंड चल रहा है, हम रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं, हमारी आंखें वही। अब एक दोस्त ने मुझे रिसेंटली
कहा कि जी मेरा काम है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं बस क्लाइंट है। तो मेरा वो भाई जो है वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर है, मैं उसका काम आपको दिखाता हूँ। ये उसने अपने काम भेजे और मैंने उससे रिक्वेस्ट की, काम तो आपका अच्छा है लेकिन पुराने स्टाइल का है, नए स्टाइल का नहीं है। तो उसने मुझसे फिर 99 डिज़ाइन की मुझे लिंक दिए कि देखें ये मैंने काम किए हैं, ये मेरा भाई है, HS डिज़ाइनर, तो ही इज़ अ गुड मैन, बहुत अच्छा बंदा है। और ही वन, इसने 9 कॉन्टेस्ट विन किए हैं और 44 कॉन्टेस्ट में इस ये रनर अप रहा है। ओके, ये इसका पोर्टफोलियो है, ये सारे गालिबन विनिंग डिज़ाइन है इसके, पर ये तो टोटल 6 हैं। आई डोंट नो इसने कितनी मेहनत की होगी, कितने मुकाबलों में हिस्सा लिया होगा, किस में जीता होगा, किस में हारा होगा। तो स्ट्रगल के लिए आपको सबसे पहले एक प्रोसेस समझना होगा। नंबर 1, आप क्लाइंट की पूरी रिक्वायरमेंट पढ़ें, उसको चाहिए क्या नंबर 1, और क्लाइंट की डिमांड क्या है, क्लाइंट देख के क्या, क्लाइंट के जहन में क्या है, क्या उसका जहन LG, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उसका उसका माइंड गूगल और अमेज़ॉन और ड्रिबल, इसके जहन क्या है, या उसका माइंड जो है वो किसी पुरानी कंपनी के जहन का है, इसको रीड करें। फिर ये पर्सोना जो है, यानी कौन है आपके देखने वाले कौन है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। फिर आप रिसर्च कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, इट टेक्स टाइम, एक दिन भी लग जाता है, 2 दिन, बाद दफ़ा हफ्ता लग जाता है, बाद दफ़ा 2 हफ्ते। रिसर्च देखें, फिर रिसर्च में टाइपोग्राफी, इमेजेस, लॉट्स ऑफ थिंग्स वो आपको देखनी पड़ती हैं। अब देखें, ये एक डिज़ाइन है, आई लव द डिज़ाइन, ये कॉन्टेस्ट का एक विनर है आई गेस। तो अगर आपका काम इस लेवल का है, ये देखें, ये नीट एंड क्लीन, और ऑफ कोर्स ये तो इसने काटा है यहाँ से और कोशिश की है इसको दिखाने के लिए, ऑफ कोर्स बाद में इसको ये फ्रेश सही करेगा, लेकिन देखें एक कंसिस्टेंसी है, एक नीट एंड क्लीननेस है, आइकॉन साफ़ सुथरे हैं। ओके, और फीचर्स के आगे इसने एक लाइन लगा दी, HR लगा दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर इसने इसको इस तरह डिस्क्राइब किया है, फिर ये टेस्टिमोनियल के सेक्शन को इसने इस तरह किया है। तो देर आर लॉट्स ऑफ वेज। अब इसी तरीके से आई लव दिस कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर इसने इस तरह दिखा है, सही है, एंड यू सी कितना नीट और क्लीन है। अब मैंने अपने डिज़ाइन तो दिखा दिए, अब ये देखें इनके कितने अच्छे डिज़ाइन हैं, मुझसे भी अच्छे हैं। तो आइकॉन शो किए, अब यहाँ इलस्ट्रेशन है, यहाँ इलस्ट्रेशन है, यहाँ इलस्ट्रेशन है, ये यूट्यूब है या इमेज है। तो अब अगर इसने अपनी एक थीम बनाई हुई इलस्ट्रेशन की, तो ऑफ कोर्स ये सारा इलस्ट्रेशन लेके चल रहा होगा जहाँ ज़रूर, जैसे इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन फिर इलस्ट्रेशन, तो ये थीम इलस्ट्रेशन की है। सिमिलरली अगर मैं इनको देखूँ तो दिस इज़ गुड डिज़ाइन बट दिस इज़ सॉर्ट ऑफ ओल्ड डिज़ाइन। मेरे ख्याल में जो डिज़ाइनर है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा, जैसे ये पुराना स्टाइल है। ओके, तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जितना हो सके आप रेफरेंसेस देखें, आप अगर लोगोस बना रहे हैं तो आप पेपर से, पेंसिल और पेपर पे उसको स्केच करें, रेफरेंसेस जुटें, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। आप themeforest.net पर चले जाएं, वहाँ मुख्तलिफ थीम्स हैं, कॉपी ना करें, क्योंकि क्लाइंट बहुत स्मार्ट होता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये कॉपी किया हुआ है या ये टेम्पलेट स्टाइल का है। इमेजेस आप सिलेक्टिव इमेजेस सर्च करें, लगे कि जैसे ये जो इमेज है ये बाकायदा लग रहा है कि फ़ोटो खिंचवाई हुई है, ठीक है, ऐसी इमेज जो बिल्कुल एक ये कि ऐसा लग रहा है कि इसने फ़ोटो खिंचवाई हुई है। तो आजकल इसका ट्रेंड नहीं है, और आई थिंक इसको भी पता होगा जो डिज़ाइनर है, जो हो सकता है ये पुराने ज़माने में इसने बनाया हो, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है उस हिसाब से, लेकिन आजकल ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, अब क्या ट्रेंड है उसके लिए, ड्रिबल है,
और ऑफ कोर्स फॉर श्योर हमारे पास avaaz.com है, उसमें एक से एक आपको आइडियाज़ मिलेंगे। देखें ये, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो 360propertygroup.com क्या इट्स कमिंग नाउ। आप लोग कोशिश करें, रिसर्च करें, जितना रिसर्च करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इन हाउस प्रोजेक्ट से मुराद आपने कोई भी एक लेआउट बनाया, तो सर आपने सोचा कि यार मेरे अंकल हैं, मेरे खालू हैं, यार मैं उनकी एक वेबसाइट बना के दिखाऊं, या चलो मैं अपनी वेबसाइट बना के दिखाता हूँ, या फेसबुक को आपने देखा, आपने कहा यार फेसबुक बना हुआ है, काश इसके अंदर इसकी कमी है, चलो काश ऐसा हो जाए, तो अपने स्टाइल से इसको बनाया। फेसबुक को मैं कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा, और ना आपसे कह रहा हूँ कि फेसबुक को और अच्छा बना दें, बल्कि फेसबुक के अंदर किस चीज़ की कमी आपको लग रही है, या आपको यूज़र एक्सपीरियंस में आपको हेल्प करेगी। ओके, अब जैसे ये वीडियो है, इसमें शुरू में वीडियो दी हुई है, और एक वेबसाइट के जिससे मैं आई लव दिस वेबसाइट, जस्ट फॉरगॉट द नेम, लेट मी चेक राइट, बुक योर रूम अराउंड द वर्ल्ड, या दिस वन। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएं, तो यू विल लव इट। मीनवाइल ये देखें आप, सही है, ये फुल ऑफ बॉक्सेस है, लेकिन ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी उसकी हैसियत होती है। ये देखें स्टिकी हो गया, ये स्टिकी हो गया, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ये एलिमेंट है, ये यूआई है, यूजर इंटरफेस है, एंड देखें व्हाट अ लवली साइड यार, आई मीन आई लव इट। इसमें इमेजेस देखें कितनी खूबसूरत डाली हुई है, अगर मैं इसमें इमेजेस आई स्टॉप के डाल दूँ तो बहुत ही बुरी लगेगी, तो कितना कलर को संभाल के लेके चला ये, और ये ट्रांजिशन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, और ये फोटोजेनिक, ये जो फोटोज हैं ये ओरिजिनल लग रहे हैं, जैसे ये ओरिजिनल फोटो लग रही है, शायद ये नहीं लग रही, इस फोटो को उस फोटो कंपोज किया, ये ओरिजिनल लग रही है, जो ओरिजिनल लग रही है, ये ओरिजिनल लग रही है, एंड दिस वीडियो इज प्योरली ऑरेंज ओरिजिनल बकायदा दिखाया जा रहा है, और इसका पेज रैंक भी बहुत हाई है। ओके, अब ये अलग बात है कि ये कुकीज़ के थ्रू, अब ये देखें ये ओरिजिनल इमेज लग रही है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें, यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू इम्प्रूव योर वर्क, अदरवाइज फिर वही आप पुराने ज़माने का काम करेंगे। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा और आपको बताऊँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आप पीछे बैकग्राउंड में मुख्तलिफ नॉइसेस सुन रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गालिबा इशा का टाइम है, हाँ इशा का टाइम है, और आई एम वेरी स्लीपी, तो हल्का फुल्का नॉइस आपको हो रहा होगा, तो आई एक्सेप्ट माई प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी फॉर दैट। और ये जब मैं इंशाल्लाह अपने कोर्स के अंदर, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा यही है, तो फिर मैं आपको लाइव काम करके दिखाऊंगा, एक डिज़ाइन बनाऊंगा उसके अंदर चीज़ें, और ऑफ कोर्स HTML और CSS3 बताऊंगा, और मशवरे आपको ओपिनियन दूंगा, एक्सटेंशन हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, कौन से एक्सटेंशन ज़रूरी है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप गाइस के आप लोग ज़रूर इसको लाइक करेंगे और आप मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे। थैंक यू सो मच।